यादव समाज, मैंने आपको पहले बोला कि देशभक्त मार्शल कौम रही है, आज से नहीं भगवान श्री कृष्ण। ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव समाज कमजोर है। इस देश में कोई सेना नहीं थी तब भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को रेजिमेंट में। आज वो कितने किस प्रावधान पे 21वें से भी ज्यादा फिसल चुके। आप खुश हैं, नाड़ी गिर रहे हैं तो मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस देश का चौकीदार ही चोर है, ये साबित हो चुका है। कौन है चौकीदार? और सरकार किसी के देश में कितने की बनती है? अपने देश में 13 से 15 बटे हुए हैं। ओबीसी समाज बट चुका है, अब नहीं बटेंगे। अब सब सबको आंखों में समझ में आ गई है कि ओबीसी के प्रधानमंत्री ने, ये नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल क्या बोला था, 15-15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए भैया, हमें वो पुराने दिन लौटा दो। हमारी सेनाओं का बंटवारा कई रेजिमेंट में हुआ है, लेकिन एक और रेजिमेंट को लेकर संसद के सामने एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन आज हो रहा है। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर एक बार फिर से अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने आवाज बुलंद की है। और देखिए आप हमारे पीछे ये तस्वीरें, संसद का घेराव किया जाएगा, भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन का निर्माण किया जाए। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का ये ऐलान है और सभी 26 करोड़ यदुवंशी आमंत्रित किए गए हैं। 13 फरवरी की तारीख निर्धारित है, सोमवार यानी आज के दिन। तो भारतीय सेना में एक और रेजिमेंट की मांग को लेकर ये लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चेहरों को शामिल किया गया है और कई अभिनेता। ये कौन है भाई साहब? राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं ये लोग अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भाई साहब, ये अहिर रेजिमेंट की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? सेना को बांट क्यों रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से इस देश में धर्म और जाति के नाम पर बनाई गई रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, सिख एक जाति है, एक धर्म है, राजपूत एक जाति है, महार एक जाति है, नाभा पटियाला एक जाति है, गोरखा, इस तरीके से इस देश में 27 से ज्यादा रेजिमेंटें बनी हुई है। जिस तरीके से इस देश में अन्य समाज की रेजिमेंटें बनी हुई है, यादव समाज एक देशभक्त मार्शल कौम होने के नाते, जब से यह देश आजाद हुआ या आजादी के पहले भी, इस देश में महानतम 9 लड़ाइयों में सबसे सर्वोपरि अगर लड़ाई मानी जाती है तो वो लड़ाई है 18 नवंबर 1962 रेजांगला। अगर आज रेजांगला हिंदुस्तान के कब्जे में है तो वो 120 वीर अहिरों की वजह से है। तो इसलिए लड़ाई हमारी, ये जो लड़ाई है किसी जाति और धर्म से नहीं है, हमारी ये लड़ाई जो है डायरेक्ट सरकार से है। या तो जो सब रेजिमेंटें बनी हुई है, या तो इन रेजिमेंटों को सबको तोड़ दिया जाए, नहीं तो अहिरों की रेजिमेंट को जोड़ दिया जाए। और आज अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम 23वीं बार इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा को घेरने का काम करेंगे। और मैं अपने समाज के उन सभी सांसदों से कहना चाहता हूँ, जाति में सेना को क्यों बांटना, जो हुआ उसे भूल जाइए। क्यों भूल जाए? आप ये सवाल गलत कर रहे हैं। जो हुआ वो भूल जाए, क्यों भूल जाए? यादव समाज, मैंने आपको पहले बोला कि देशभक्त मार्शल कौम रही है, आज से नहीं भगवान श्री कृष्ण। ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव समाज कमजोर है। इस देश में कोई सेना नहीं थी तब भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना को रेजिमेंट में अंग्रेजों ने बांटा। अगर सेना में अंग्रेजों ने बांटा तो ये देश आज आजाद है या गुलाम है? आप बताइए, ये देश आजाद है गुलाम है? अगर आप ये कहते हैं कि इस देश को अंग्रेजों ने बांटा तो, और वो जो रेजिमेंटें बनी हुई हैं उसमें हमारी भी अहिर रेजिमेंट थी, अहिर पलटन के नाम से, लेकिन यादव को साथ धोखा हुआ। धोखा क्यों हुआ? कि यादवों ने अंग्रेजों की नहीं मानी और बगावत खड़ी कर दी, तो यादवों को बागी कौम करा दे करके हमारी अहिर पलटन को तोड़ दिया गया। यादव बागी नहीं है? नहीं, यादव बागी नहीं है, यादव देशभक्त और मार्शल कौम है। जब भी इस धरती को और मातृ शक्ति को, उस देश को और सरहद को बचाने की बारी आई तो सबसे ज्यादा बलिदान के जो आहुति दी वो यादव।
समाज ने दी। आज भी बॉर्डर पे जो बच्चे शहीद हो रहे हैं उनमें आप डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा यादव वीर सपूत अहिराणी छत्राणी के बच्चे। मोदी जी ने देश को मजबूत कर दिया, एक मजबूत प्रधानमंत्री मिल चुका, आप लोग गर्व करिए। क्या मजबूत कर दिया मोदी जी ने, तो वो मजबूत कर दिया। आज अडानी की हालत देखिए, जो 2014 से पहले जो 609 नंबर पे था आज वो विश्व को एक नंबर पे आया। लेकिन लेकिन आप एक बात बताइए, इस देश की विदेश की एक कंपनी ने क्या किया, उसका खुलासा कर दिया आज किस नंबर पे? गलत है रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट नहीं है, आप लोग गलत बोलते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अडानी कह रहे हैं ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, देश के खिलाफ हमला। अगर अगर अडानी जी ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है तो आप जो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाइए उसको, उसको घसीटिए। क्यों नहीं घसीटते आप ये बोलते हो कि रिपोर्ट गलत है तो ऐसे कैसे गलत हो जाएगी? आज वो कितने ना किस प्रावधान पे 21वें से भी ज्यादा फिसल चुका है। आप खुश हैं अडानी गिर रहे हैं तो? मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस देश का चौकीदार ही चोर है, ये साबित हो चुका है। कौन है चौकीदार? चौकीदार वही है। सारे चौकीदारों का अपमान कर रहे हैं आप? नहीं, चौकीदार वही है जिसको सब कहते हैं कि मैं भी चौकीदार और तू भी चौकीदार, इसलिए साबित हो गया कि चौकीदार ही चोर है। चौकीदार बहुत मजबूत चौकीदारी कर रहा है आजकल, हिंदुस्तान से चीन पाकिस्तान कांप रहा है। ये आप लोगों को भूल जाइए 2014 से पहले का भारत। लोगों को इसलिए लग रहा है कि बिकाऊ मीडिया जो गोदी मीडिया बन चुकी है, रात दिन उसके नाम की माला जप रही है, इसलिए आप लोगों को यह लगता है कि देश विश्व गुरु बन जाएगा। आज भुखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, सबसे ज्यादा भुखमरी हुई है तो 2014 से 2000। कोई भूख से नहीं मर रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। अरे 5 किलो अनाज से आपका भला हो जाएगा? 5 किलो अनाज से क्या आपके बीवी बच्चे क्या स्कूल में आपका आपके बच्चे पढ़ लेंगे? आपका परिवार 5 किलो अनाज से चल जाएगा क्या? आप बताइए, अगर 5 किलो अनाज से आपका परिवार चल जाए, आपके घर का भरण पोषण हो सके, घर मकान दुकान बढ़िया हो सके, तो आप बता दीजिए। जो माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहते हैं, आज वो 10 से 20 लाख रुपए जब खर्च करके जब बच्चा घर पे आता है और घर पे बच्चा बैठा होता है, तो उस पेरेंट्स से पूछिए कि उन पे दिल पे क्या बीतती है, क्योंकि वो अपनी हक और हलाल की कमाई को अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं और बाद में बच्चा क्या होता, बेरोजगारी के तहत वो घूमता रहता। मैं 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया सत्ता में आए। हाँ, 2 करोड़ मिला किसको? आप बोलिए किसको मिला 2 करोड़? वो कह रहे थे कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, लेकिन आप बताइए कि लोगों को नौकरी बनी? इस जिस तरीके से कानून व्यवस्था में जुडिशरी सिस्टम को ला करके जजों की नियुक्तियां हो रही हैं, उसी तरीके से लेटरल एंट्री ला आप राजनीति करने आए हैं? नहीं, राजनीति का मकसद नहीं, हम लोग अपने जाति और धर्म की लड़ाई के लिए नाम और जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब आपने सवाल उठाया है 2 करोड़ नौकरी की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, जुडिशरी की बात, तो वो बात तो करनी पड़ेगी। क्यों भाई साहब, अनाज दे रहे हैं मोदी जी? दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। 5 किलो देते हैं, 5 किलो देते हैं उन्हें। पक्का मकान मिला? कुछ नहीं मिला है। बताइए भाई साहब, क्यों सेना को जाति में बांट रहे हैं आप लोग? अंग्रेजों की गलती को फिर से ला रहे हैं, गलती कर रहे हैं फिर आप लोग? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सेना को जाति में कहां बांट रहे हैं? जाति में बटे हुए को हम एक कर रहे हैं। यह तो आपके मीडिया वाले जाति में बटवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक करना चाहते हैं। जाति किसने बनाई, मीडिया ने? हम तो एक करना चाहते हैं। हमारा तो कहना ये है कि सबकी रेजिमेंटें खत्म कर दो, भारतीय सेना के नाम से बना दो, तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। निरहुआ जी भी आपके समाज से है, खूब बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। हाँ। समाज के हैं तो बोलना, समाज के ऊपर तो बोलना भी चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए। और बहुत नेता हैं ओबीसी के, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी, बोल रहे हैं कुछ? सब बोलेंगे, आप इंतजार कीजिए, सब बोलेंगे, सब आएंगे। एक पावदान पे सबको एक दिन आना पड़ेगा, एक लड़ाई नहीं है, SC ST OBC सारे एक पौधान पे आएंगे। सेना मजबूत हो चुकी है, अब सेना बहुत मजबूत है, अग्निवीर योजना भी है। ये देखो सरकार का छलावा है, ठीक है, जो युवा हमारे देश के है ना, उनको बेरोजगारी की तरफ ढकेलने का रास्ता है कि आप 3 साल जाइए गवर्नमेंट की नौकरी कीजिए और 3 साल बाद घर आइए, ना घर के रहे ना घाट के रहे।
ना घर के बचे ना घाट का बचा। 3 साल में शादी करवा देंगे, 3 साल बाद भूखे मरो, बीवी अलग बच्चा अलग, ये कहे का योजना है सरकार का? क्यों भाई साहब, रोजगार मिल रहा है आपका? मिला रोजगार आपको? नहीं मिला। हमारी चिंता छोड़िए, आपकी चिंता हमें रोजगार। भारत के कितने लोग का रोजगार मिला, भारत जान रहा है कुछ? अग्निवीर योजना में अप्लाई क्यों नहीं किया आपने? सैनिक बनना है कि नहीं? सैनिक आप बनना है कि सैनिक 4 साल का नहीं बनना है? आप 4 साल में क्या कीजिएगा? कितना बड़ा अन्याय है। 4 साल में क्या कीजिएगा? ट्रेनिंग, देश की सेवा करिए। 4 साल, 4 साल देश की सेवा कीजिए। केवल आर्मी, बिहार पुलिस, विधायक, सांसद, उसको भी तो होना चाहिए। 2 साल का करा दीजिए संसद को, संसद का 2 साल का करा दीजिए आप। विधायक का चुनाव 2 साल में करा दीजिए। आप कहते हैं बॉर्डर पर जाइए, 4 साल के सैनिक बना के भेज रहे हैं आप। 4 साल में आप ट्रेनिंग कितना महीना? 6 महीने ट्रेनिंग, उसका हथियार चलाने का सीखेगा, आपका कीजिएगा। क्यों बताइए, क्या हमार? हाँ सर, क्या देश की सेना मजबूत नहीं हुई? एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं पछ रहा आप लोगों को? परेशान करने चले आते हैं सर जी। हम परेशान करने नहीं आए हैं, हम तो देश की सुरक्षा के लिए आए हैं कि सेना में अही रेजिमेंट बना दीजिए। न चीन हमला करेगा, न पाकिस्तान हमला करेगा। तो क्या लगता है, देश की सेना कमजोर है? देश की सेना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह, होम मिनिस्टर साहब और मंत्री भी कमजोर हैं। जब तक आई रेजिमेंट नहीं बनता, इनकी कोई ताकत नहीं है। नहीं नहीं, ये आप बात कह के हमारे सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। सेना तो असली सेना जब बनेगी, जैसे नारायणी सेना थी ना, आहिर सेना। अभी सेना तो काम कर रही है, सेना काम कर रही है। कैसा काम कर रही सेना? सेना को उतना ही काम मिल रहा है जितना इन लोग दबे हुए हैं, दबे आवाज में उनको बोलते हैं। जिस दिन आहिर रेजिमेंट बन जाएगी, ए आहिर, जब देश की आन पे बात आएगी ना, तो इनकी भी बात नहीं मानेंगे, सीधे गोली ठोकेंगे और देश को सुरक्षा करेंगे। भाई साहब, सेना को कम से कम जातियों में मत बांटिए आप लोग। सर, जाति में बांटने की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर जाति कौन सा होता है? यादव। ये तो फिर राजपूत भी कहेगा सबसे ताकतवर, क्षत्रिय भी कहेगा। इतिहास है, महाराणा प्रताप कौन थे? रेजांगला युद्ध याद है आपको? रेजांगला युद्ध, ये रेजांगला युद्ध याद है? ऐसे तो बहुत सारे युद्ध लोग बताएंगे कि हमारा ये क्या, हमने ये किया। देखिए, आज तक का इतिहास, चीन भारत में चले जाएंगे, आज तक का इतिहास रहा है कि अहिरों के सारे इतिहास को दबाया गया है और अभी भी अहिर रेजिमेंट रोक करके दबाया जा रहा है। इतिहास फिर से लिखेंगे, इतिहास को, हमें पुराने इतिहासों को जगाना है। हम लिखेंगे, जब अही रेजिमेंट बनेगा तो वो भी लिखेंगे। अगर अही रेजिमेंट नहीं बना तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में आने वाली नहीं है। हम 26 करोड़ पड़ते हैं, 26 करोड़। और सरकार किसी की देश में कितने की बनती है? अपने देश में 13 से 15 बटे हुए हैं। ओबीसी समाज बट चुका है, अब नहीं बटेंगे। अब सब सबको आंखों में समझ में आ गई है कि ओबीसी के प्रधानमंत्री ने, ये नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल के क्या बोला था? 15-15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अरे हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए भैया, हमें वो पुराने दिन लौटा दो। 60 रुपए लीटर वाला पेट्रोल, 400 रुपए वाला सिलेंडर, वही लौटाइए हमको। अगर बीजेपी नहीं होती तो ये पेट्रोल और सिलेंडर, जानते हैं पेट्रोल 2000 पहुंच जाता, सिलेंडर 5000 पहुंच जाता। शुक्र मनाइए, सिलेंडर 1100 पे है। आपको इतना ही बता देता हूँ, अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई होती तो आज के डेट में इंडिया में कोई भी, देखिए, किसान फांसी लगा रहा है इनसे परेशान होकर के, युवा रोड पे अपना नौकरी मांग रहे हैं, ये देख क्या रहे। आज तक इन सरकार के पास कभी एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और हॉस्पिटल किन्होंने खोला? मोदी जी ने कहीं दिखाया, कहीं बनाया है? ये गोबर गाय के गोबर बबूत दे रहे हैं। अखिलेश का शुक्र मनाओ, यूपी में लैपटॉप बांट दिया कि लोग शिक्षित हो गए। योगी जी क्या बांट रहे हैं? योगी जी का रामराज है वहाँ पे। कौन सा? अयोध्या में राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर योगी जी क्या बनाएंगे? वो तो बजट संसद से पास हुआ। क्या योगी जी तो किसने बनाया राम मंदिर? किसने बनाया? ये तो कोर्ट का आदेश है, ये संसद कोई नहीं है, कोर्ट का आदेश है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या राम मंदिर बनता? क्या एक मिनट, मोदी जी देश छोड़कर चले जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या देश नहीं चलेगा? इसके पहले देश नहीं चला था, इंदिरा नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, प्रधानमंत्री अगर बीजेपी में थे ना तो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे थे, उन्होंने देश का विकास किया था। क्या अच्छाई थी उनमें?
उन्होंने देश का इतना विकास किया, हर जगह रोड बनवाए, देखो ग्रामीण योजना जो रोड पे घर घर गांव में पली है, वो मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने ना आप लोगों की आंखों में विपक्ष का चश्मा चढ़ा है, देख नहीं पा रहे हैं। विपक्ष का चश्मा वो दिन उतर जाएगा, विपक्ष का चश्मा वो दिन उतर जाएगा जब उनके बच्चे भी रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे। आज हम जितने भी ओबीसी एसटी एसटी के हैं ना, रोड पे तो खड़े हैं, हमारे पास आए क्या? इन्होंने सब कुछ ले लिया और सब कुछ अडानी को लिख रहे हैं। अडानी हमारे इनके दोस्त हैं, उनको दे रहे हैं। अडानी भारत की शान है। शान है ना, वो मोदी जी के शान है, देश के शान नहीं है, मोदी जी के शान है। पब्लिक को तो देखिए, हम लोग पूरा बंदरगाह चला रहे हैं, हमारी जो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सुरक्षित नहीं चलाएंगे। जब 12,772 करोड़ उनको माफी कर देना है, सरकार को दे देना है, टैक्स देना नहीं है उनको, तो वो तो सब कुछ करेंगे जब देश का प्रधानमंत्री उनके साथ है। देश का प्रधानमंत्री अन्याय कर रहा है, अन्याय जनता के साथ। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि अही रेजिमेंट हम कोई अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए। देश है तो क्या सेना में भर्ती हो रही है हीरों की? खूब बम्पर अहीरों में, सेना में भर्ती अहीरों की हो रही है। पहला नंबर तो जो अही रेजिमेंट बनेगा ना, अही रेजिमेंट बनेगा, उसमें सिर्फ अहीर ही रहेंगे, और वो बटालियन को जहाँ भी जाएगी ना, दुश्मन को धूल चटा के आएगी। ओबीसी में तो बहुत जातियाँ हैं, उसमें से यादव भी हैं, तो क्या सारे ओबीसी को आप अहीर बनाएंगे? सबको उसमें शामिल करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए, पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी देश में जनगणना नहीं करवा रहे, बिहार में हो चुका, सबकी जनगणना करा करके जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी इतने हिस्सेदारी कर दे, रेजिमेंट भी नहीं रहेगा कोई बात नहीं, सारी रेजिमेंट तोड़ दो, भारतीय सेना कर दो, हमें कोई दुख नहीं है, सारी रेजिमेंट तोड़ दो, सिर्फ भारतीय सेना कर दो, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर जो तुम जातिवाद फैला रहे हो, इतनी बटालियन बना रखी है, राजपूत सिख गोरखा मराठा रेजिमेंट है, तो आहिर का अपना आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोगों को मांग ये करना चाहिए कि सेना में जो जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर रेजिमेंट्स बने हैं वो तोड़ दो, भारतीय सेना कर दो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि रही रेजिमेंट बना दो, कल को कोई दूसरा आएगा, नहीं हम कह रहे हैं मुस्लिम रेजिमेंट बना दो, कोई कह देगा, कोई कहेगा कुछ और बना दो। हम ये कह रहे हैं कि अगर जो अही रेजिमेंट नहीं बना सकते तो सारे रेजिमेंट को तोड़ के भारतीय सेना कर दो। नहीं, ये कंडीशन क्यों है? अही रेजिमेंट नहीं बना सकते, आप सीधे सीधे बोलिए ना, अही रेजिमेंट नहीं चाहिए, तोड़ दो सब जातियों का। इसलिए है कि ये देश की सरकार जो है ना, ये सबका साथ सबके विकास की बात करती है, लेकिन 10 का साथ और 90 का विनाश की बात करती है। अगर ये 75 10 हैं कौन? ये 10 वही मनुवादी है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, हमारा शहादत और बलिदान का इतिहास है। हम क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह या तो हमारे कंधे पर हमारा नाम लिख दो, हम देश की रक्षा के लिए तो मांग रहे हैं। जिसके पास दिमाग है वही तो देश चलाएगा, अरे उन्होंने वही तो बुद्धिमान है, ऐसा है। इस देश के अंदर दिमाग जो है ना 90% के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अशिक्षित था, अब वो जागरूक हो रहा है, वो शिक्षित हो रहा है, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पर उतर चुका है। और रही रेजिमेंट की बात, आपने कहा कि भाई रेजिमेंट क्यों मांग रहे हो, हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें ये पता है कि ये सरकार जो है जातियों के नाम की रेजिमेंट और जो धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बनी है, उनको तोड़ेगी नहीं, उनके अंदर अपने ही 10% के मनुवादी लोगों को भर्ती कर हमारे लोगों को जो रोजगार मिलता था सेना के अंदर, जो रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसको छीनने का काम कर रही है। जाति को लेकर विवाद है, कहा जा रहा जाति पंडितों ने बनाई, और पंडित कौन है? ऐसा है, ये सच्चाई है कि जाति को पंडित ने ही बनाया, ये बिल्कुल सच्चाई है, भगवान ने नहीं बनाया या किसी और ने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया, इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। मैं कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना भी इसलिए मांग की जा रही है कि देश के अंदर 90% लोगों के साथ साथ 10% की भी जनगणना कराई जाए, ताकि उनकी शिष्टी का पता लग जाए कि 10% के लोग कैसे न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, सब मीडिया सेंटर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैसे बैठा हुआ 10% लोग, इसीलिए वह जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। और ये बिहार ने जो शुरू किया है उसको भी उन्होंने षड्यंत्र के तहत, राजपूत बनाम यादव, वहां पर षड्यंत्र रच दिया। 24 में फिर से
खेला होगा? कोई खेला नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं बहुसंघ समाज और यादव समाज एकजुट हो रहा है और ये आने वाले चुनाव के लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़े लेवल पर एक राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन होगा और ये एकजुट होकर वोट की ताकत से जनशक्ति की ताकत से इस प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का भी काम करेगा। विकल्प नहीं है ऐसा? विकल्प बहुत है लेकिन जो देश की मीडिया वो बिकी हुई है, वो पैकेज से चलती है, वो गोदी मीडिया है, वो मोदी मीडिया है। मोदी जी ने कहा मेरा चेहरा चमकाने का काम मीडिया नहीं, मैंने तपस्या किया है। देखिए मोदी जी ने कोई तपस्या नहीं किया, तपस्या जो है ईवीएम ने किया है, जो हमारी वोट की ताकत को ईवीएम से जो है उसने खत्म कर दिया है और ईवीएम की ताकत से आज ये सत्ता में बैठा हुआ है। अगर ईवीएम हटाकर एक बार लोकसभा चुनाव करा लीजिए, अगर 100 सीट भी मोदी जी की आ जाए तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब ईवीएम का खेल है, सब ईवीएम का खेल है। एक बात बताइए, जब आप हिमाचल में जीतते हैं तब ईवीएम का खेला नहीं होता है, बीजेपी जहां जीतती आप लोग कह देते हैं जब नहीं मिला तो बोले अंगूर खट्टे हैं। देखिए चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, पंजाब हो, ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत ये लोग चलते हैं। आरएसएस और इनके पास ऐसे ऐसे आईटी सेल और इतना देश का इनके पास तंत्र है कि ये इस तरीके से चलते हैं ताकि लोग ईवीएम के मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पर ना बन पाए। तो कहीं ना कहीं जैसे पंजाब के अंदर इनकी 2 सीटें थी, इनको पता था कांग्रेस को हटाना है और वहाँ पर आम आदमी को लिया है। कहीं ना कहीं ये लोग षड्यंत्र के तहत एक दो राज्यों को छोड़कर जब बड़े चुनाव की बात आती है, इनकी सत्ता की बात आती है, तो वहाँ पर ये जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसके अंदर षड्यंत्र रचा गया। यानी आप लोग ईवीएम के भरोसे बैठे रहेंगे? ईवीएम के भरोसे नहीं, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। कौन हटाएगा, कौन हटाएगा? लोग हटाएंगे इसको और हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब बहुसंघ समाज लोग जागरूक हो चुके हैं, यादव समाज जागरूक हो चुका है, अब रोड पर निकल चुका है राज्य। आप देख रहे हो आज से पहले कभी यादव समाज ने इस मांग को नहीं उठाया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटाकर ही हम बैलेट पेपर लाकर ही चुनाव को कराएंगे। आपकी बात 24 में मोदी जी आ रहे हैं और 40 साल तक बीजेपी शासन करेगी कह रहे हैं। देखिए अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो ये आ सकते हैं, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है तो मोदी जी की 100 सीट भी नहीं आ रही है। ये 140 करोड़ की जनता उनके साथ है कहते हैं, उनके साथ सिर्फ 10% के वो मन्नूवादी लोग हैं जो अत्याचार अन्याय करते हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उनके दो उद्योगपति हैं जो देश को बेक बेक कर लूट रहे हैं। आज अडानी ने जो है सारे बैंकों को कंगाल कर दिया, LIC को कंगाल कर दिया, पूरे देश का टैक्स का पैसा आज अडानी को दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी बहुत अमीर है, बंदरगाह को अधिग्रहण कर लेते हैं, देश को सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसा है, अडानी को बनाया गया अमीर, वो इसलिए बनाया गया कि वो मोदी जी को लोकसभा चुनाव के साथ साथ जितना भी देश के अंदर है उसको लूट लूट कर अडानी को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया है। नहीं, एक साल में आप बताइए अडानी जी कैसे पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 पर आ जाते, 7 पर आ जाते। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश के लोग। जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? देखिए अगर जातिगत जनगणना की क्यों मांग कर रहे हैं फिर हमारे लोग? जाति खत्म होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जाति और धर्म इस देश से कभी ना गया है ना जाएगा। जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए लेकिन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता क्योंकि इतना जहर घुल चुका है। आप ही लोग नहीं जाने देंगे। 75 वर्ष से जो है ना हमारे लोग रोड पर उतरे, हमारे महापुरुष बाबा साहब फूले परियार ललई, क्या वो जातिवाद खत्म कर पाए? क्या वो धर्म को खत्म कर पाए? जब हमारे महापुरुष नहीं खत्म कर पाए तो हमारे तो उनके सामने कुछ वैल्यू ही नहीं है, हम तो उनके अंश भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोग पहल तो शुरू करिए, बोले नहीं चाहिए हीर रेजिमेंट। ऐसा चाहिए हीर रेजिमेंट, बिल्कुल चाहिए। अब नहीं खत्म होगी, जिस दिन जातियों के नाम से रेजिमेंट खत्म कर देंगे उस दिन हम कह देंगे हाई रेजिमेंट नहीं चाहिए। जब तक हाई रेजिमेंट चाहिए, जब तक जातियों की रेजिमेंट बनेगी है लेकर आएंगे हम। ये देश हमारा है, ये देश के लोग अधिकार है, लेकर आएंगे हाई रेजिमेंट। तो देखिए बहुजन समाज जाग रहा है, ओबीसी समाज जाग चुका है और 24 में बड़ा खेला होने वाला है। आप देखिए अब जागरूकता जो है वो धीरे धीरे आ रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, ईवीएम की समस्या है। जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है। बड़ा सवाल ये, ईवीएम को हटाएगा कौन? जब ईवीएम है तो मलाई खा रहे हैं, ईवीएम को कैसे हटाया जाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब मांग हो रही है कि ईवीएम हटा दिया जाए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या अहिर रेजिमेंट
बनना चाहिए, अपनी राय दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।